हेलो दोस्तों, डीजे कुमार ब्लॉग चैनल में आपको फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे आउजा का UBA 1300। तो इस एम्पलीफायर को आप लोग शायद यूज किए होंगे, तो चलिए इस एम्पलीफायर के बारे में आज बात करेंगे। टोटल आपको फिक्सेशन बताऊंगा और इसमें कितना प्राइज है, कितना वेट है, कितना फिक्सेशन है, इतना कितना मतलब स्पीकर बॉक्स बजा सकते हैं, और इसमें खास पॉइंट जो आपको थंबनेल में लिखते हैं क्या ये डीजे एम्पलीफायर है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कि ये डीजे एम्पलीफायर है या दूसरा कुछ है। तो चलिए वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप सबकी रिक्वेस्ट है हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस एम्पलीफायर का मॉडल नंबर। तो ये एम्पलीफायर का मॉडल नंबर है आउजा UBA 1300। तो ये कितना वाट का एम्पलीफायर है, तो ये 1300 वाट का एम्पलीफायर है। और चलिए इसका आउटपुट के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब जो कि एम्पलीफायर में कितना आउटपुट देता है। तो सबसे पहले इसका बात कर लेते हैं, इसका 1300 वाट का मतलब RMS पावर हो जाता है। और सबसे पहले खास बात जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, यह इसका मैक्सिमम पावर कितना है। तो मैक्सिमम पावर आपको इसमें मिल जाता है 1650 वाट, मतलब 1350 वाट RMS पावर, और ये मैक्सिमम पावर 1650 वाट आपको मैक्सिमम मिल जाएगा। और इसका बात करें इसका कितने ओम पर कितना में हैंडल कर सकते, इसमें आपको दिया रहेगा 2 ओम, 4 ओम और 8 ओम को मतलब देखने को मिल जाएगा। आप इसे स्पीकर कनेक्टर में लगा सकते हैं। इसका पावर सप्लाई आपको मिल जाएगा AC में, आपको 220 से 240 वोल्ट और 50 से 60 हर्ट्ज तक आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका आपका प्रोटेक्शन आपका जो कि LED बोला आपको दिख रहा है, तो इस आपको आपको उतना शायद आप लोग जानते होंगे इसमें क्या क्या फिक्सेशन है। उस अगर आप लोग नहीं जानते उसमें या कमेंट आप लोग कमेंट कीजिए कि मैं उससे भी एक रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए, और एक खास जो पॉइंट आप सभी का कमेंट आया था, जो ब्रिज मोड में कोई लोग मतलब कोई भी लोग बजाता नहीं है, मैं आप सभी को एक लाइव करके बजाऊँगा ब्रिज मोड कैसे बजाता है। तो चलिए आज इसी बारे में बात कर ले, एक दिन उसके लिए लाइव आपको बताऊंगा, मैं वीडियो करके अपलोड कर देंगे। तो चलिए, और इस एम्पलीफायर की हम बात कर लेते हैं, इसका प्राइज भी आपका लगभग जो कि स्क्रीन में आपको दिख रहा है 32,579 रुपये आपको दिखने के मिल रहा है। तो चलिए इसके बात कर लेते हैं इसमें कितना आप बॉक्स बजा सकते हैं, जो कि इसका मैक्सिमम पावर आपका 1650 वाट और RMS पावर आपको 1300 वाट मिल जाता है। तो ये एम्पलीफायर आपका DJ और PA एम्पलीफायर है, जो कि आपको दिख रहा है, मतलब ये आउजा DJ एंड PA एम्पलीफायर दोनों है। आप DJ के लिए भी यूज कर सकते हैं और आपका लाइव भी ये चल सकता है बड़ी आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। ये आप दोनों का रिकमेंड आप कर सकते हैं, मतलब ये आपने मैनुअल में दिया है, जो कि आपको मतलब इसका जो मैनुअल रहता है वही मतलब लिखा हुआ है DJ एंड PA सिस्टम के लिए। तो चलिए इसके बात कर लेते हैं आप किस तरह मतलब बॉक्स बजा सकते हैं, मतलब कितना वाट के लोड डाल सकते हैं। बहुत लोग तो इसमें ज़्यादा वाट का मतलब लोड डाल देता है, तो इसमें आप मान लीजिए मैक्सिमम पावर इसका 1650 वाट है, तो लोग इसमें आपको कितना मतलब आपको लगभग इसका 2500-2600 लोड दे देता है, उसमें चल जाएगा। ये आउजा का ब्रांडेड है, ये तो आप लोग को पता होगा, जो 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 आउजा चलाते हैं उसमें तो आप लोग सभी को पता है कि आउजा कितना लोड उठा सकता है, उसमें कोई ओवरलोड का चांस ही नहीं कि ओवरलोड मारेगा। लेकिन हाँ, सिस्टम से थोड़ा सा चलाइएगा, लाइफ टाइम आपका एम्पलीफायर बचा रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं, तो इसका RMS पावर आपको 1300 मिल जाएगा और मैक्सिमम 1650 वाट। तो आपको क्या करना है, आपको 2 ओम और 4 ओम को देखने को मिल जाता है। तो आपको या मान लीजिए आपको 8 ओम में बजाना है, तो आपको दो बेस आपका मतलब एक बेस आपका 1000 वाट का चल जाएगा बड़ी आसानी से, 1000 से 1200 वाट का भी चल जाएगा, लेकिन आप 1000 वाट का लगा दीजिए, बहुत मस्त पंच आएगा। और मान लीजिए आपका 4 ओम में बजाना है, तो आपको कितना वाट का डालना पड़ेगा, आपको 600+600 का वाट डाल दीजिए, जो कि मस्त बजेगा। और एक साथ में एक 100 वाट का HF भी डाल सकते हैं, जो कि बड़ी आसानी से चल जाएगा। और इसमें अब मान लीजिए 700 का भी डाल सकते हैं, 700+700 1400, और एक HF भी डाल सकते हैं, जो कि 1500 वाट हो जाता है 4 ओम में, तो बहुत मस्त बजेगा। और इसमें मान लीजिए 2 ओम में बजाना है, तो 2 ओम में कितना वाट डाल सकते हैं, आप 400 वाट का 4 स्पीकर डाल सकते हैं, जो कि आपका 1600 वाट हो जाता है, तो ये भी मस्त बजेगा, जो कि आपको पंच देखने को मिल जाएगा। और इस एम्पलीफायर में एक खास बात है जो कि आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, अगर पता होगा तो ठीक है बात। तो चलिए इसके बात कर लेते हैं, इसमें एक एम्पलीफायर में ये क्रॉसओवर भी दिया है, जो कि आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा है, जिसके ऑन करने से आपका मतलब बेस आपका खुल जाएगा, जी हाँ। और इसको इनेबल करने से मतलब ऑफ करने से आपका ट्रेबल बेस और मिड तीनों में आ जाएगा, इसमें आप ऑन कीजिएगा तो मतलब ये आपको मतलब बेस ही मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।